नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पर ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है, और अगर आपके कार्ड की आउटस्टैंडिंग उस टाइम पे काफी ज्यादा है तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और ये गलती इस तरह की है कि जब आप इसको कर रहे होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई गलती की है, लेकिन जब आपका अगला बिल आएगा और उसमें आप पे कम से कम 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ के आएंगे, तब आप इसके बारे में पता करना चाहेंगे कस्टमर केयर से कि ऐसा आपने क्या किया, क्यों आप पे इतना चार्ज लग के आया। तो उसके बारे में आपको बता देता हूं जिससे कि आप सावधान रह सके और अपने आप को होने वाले लॉस से बचा सके। तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूँ जो कि आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है वो 5 तारीख को होता है, हर मंथ की 5 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बन जाता है, और आपने 1 तारीख को या 2 तारीख को या फिर उससे पहले कभी भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ परचेसेस करी, और आपने जो परचेस की उसमें से मान लीजिए कि आपने कोई 2 आइटम खरीदे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से जिसके लिए आपने एक ट्रांजेक्शन करी, या फिर आपने 2 ट्रांजेक्शन करी उनमें दोनों में अलग अलग आइटम आपने परचेस किए, और उसके बाद में जो है आपका जो है बिल बन के 5 तारीख को आ गया। मान लीजिए कि जो आपका बिल बन के आया वो 20,000 रुपये का बिल आपका बन के आ गया। तो अब आपको लगता है कि जो आइटम आपने ऑनलाइन मंगाए हैं उनकी डिलीवरी होती है 5 तारीख को या 6 तारीख को, तो आपको लगता है कि इसमें से कोई जो आइटम है वो आपको पसंद नहीं है और आप उसको जो है रिटर्न कर रहे हैं। तो आपका 20,000 का बिल आया है, तो आपको लगेगा कि जब आप उस आइटम को रिटर्न कर दोगे तो उसके बाद में जब आपका जो आइटम का जो रिफंड आएगा, मान लीजिए 2,000 रुपये रिफंड लौट के आपका आ गया, तो आपको लगेगा कि 2,000 रुपये में कम भरता हूँ क्योंकि मेरा रिफंड आया है 2,000 रुपये का, तो मेरे कार्ड की वैल्यू जो है वो उतनी लिमिट हो जाएगी उसकी, तो आपने मान लीजिए 18,000 रुपये बढ़ दिए। तो ऐसे में आपको आपके कार्ड पर अगले बिल में चार्जेस और इस 18,000 के ऊपर इंटरेस्ट लग के आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि आप वो पैसा क्यों दें, अब आपने कुछ परचेस ही नहीं किया, आपका रिफंड आया है, लेकिन रिवर्सल का जो पैसा आता है उसको पेमेंट नहीं माना जाता है। तो मैं आपको इसके लिए एक बात बता दूं, मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि जो रिवर्सल पैसा आता है उसको एज ए पेमेंट ट्रीट किया जा सकता है। तो मैंने एक तरीका बताया बिल कैसे पे करें, जब आपका बिल जनरेट हो जाता है उसके बाद में आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं वो ट्रांजेक्शन का रिवर्सल आएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अब वो तरीके ना काम नहीं करते। क्रेडिट कार्ड कंपनी वो जो है रिवर्सल को रिवर्सल मानती है, पेमेंट नहीं मानती है। तो आप ये गलती ना करें, जब आपने कुछ ले लिया है तो उसके बाद आप कुछ और परचेस कर लें, जो आप डेबिट कार्ड पे करने वाले हैं वो क्रेडिट कार्ड परचेस करके उतना पैसा भर दें तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे। क्योंकि लोग मुझे कमेंट करते हैं कि पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि रिवर्सल से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आजकल वो सब बंद हो गया है और लोगों को उसकी वजह से नुकसान भी हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने क्रेडिट कार्ड पर जो आए हुए रिफंड को पेमेंट ट्रीट ना करें, और आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको टाइम पे बढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।